हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एडोब फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन टूल के सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग इस पार्ट पर आएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन टूल। तो इसकी हेल्प से किसी भी पिक्चर में अगर आपको किसी भी टाइप का करेक्शन करना हो तो हम इन टूल्स के ऊपर आते हैं। ओके, अब ये हमारी एक पिक्चर है। अब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब इसका क्या काम होता है, अब ये जो है अप्लैक है उसमें क्या होगा कि इसमें आपके कुछ अलग अलग ऑप्शंस ओपन होके आ गए। अब इसमें आपके ब्रश है उसका साइज़ क्या हो तो वो इस साइड से इंक्रीज और कम भी हो जाएगा, और उसकी हार्डनेस क्या हो तो वो इस साइड से कम और ज़्यादा भी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके साइज़ को हल्का सा हम लोगों ने इंक्रीज़ किया और हमने कहा कि अब इतने हिस्से पे क्लिक होते ही ये अपने आसपास के हिस्से के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। ओके फाइन। अब जो अगला ऑप्शन होता है इसी में आगे का वो होता है हीलिंग ब्रश टूल। अब इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि अगर आपको कि ये जो है वो अभी आपका चेंज हो जाए तो आप इसके ऊपर आएंगे और आप और इस पर क्लिक होते ही सामने आपके आ जाएगा कि ये आपका एल्ट और क्लिक के साथ में ही आ पाएगा। ओके, तो आई जस्ट प्रेस एल्ट और क्लिक, अब ये आपका इसी की एक कॉपी आपके पास में ऐसे आ जाएगी और ये आपके सामने ऐसे आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि अब हम आएंगे इसमें, हमने कहा जी हमें चाहिए ऐसा, तो ये अब ऐसा आपका ये चेंज भी हो जाएगा अलग अलग हिसाब से। ओके, अब जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है पेज टूल। अब इसका ये काम होता है कि अगर आपका कोई सरफेस अगर आपका बहुत ही बड़ा सा है फॉर एग्जांपल, तो इतने हिस्से पर हमें ऐसे हमने से फ्री हैंड के हिसाब से अपने आप से चूज़ किया और अब ये कैसा हो जाए चेंज, तो इसको उठाकर ये आपका जिसके ऊपर आ जाएगा ये उसके हिसाब से अभी आपका चेंज हो जाएगा। ओके फाइन, तो ये ऐसे आपका चेंज हो जाएगा इसमें आकर। अब इसमें ये जो दो ऑप्शन हैं इनका काम हमारा आगे एडवांस पर होगा, तो अभी हमारे इन तीन पे काम ऐसे हुआ है। ओके, अब जो हमारा अगला ऑप्शन है उसके लिए मैं एक इसके कलर को करता हूँ चेंज। हमने कहा जी ये हो जाए वाइट कलर का। ओके, अब इसमें क्या काम होता है कि ये जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है ब्रश टूल। अब इसका क्या काम होता है, अब इसमें भी इसकी जो इसका साइज़ है वो इसके हिसाब से इंक्रीज़ और कम भी हो जाएगा और कलर आपका इस साइड से आ जाएगा इस साइड से। तो हमने कहा जी कि कलर अभी हमारा हो जाए ब्लैक ही। ओके, अब जब इस पर हमारा काम हो रहा है तो ये सामने हमारा ऐसे आ रहा है। ओके ठीक है, अब इसमें ही जो अगला ऑप्शन होगा वो होगा मिक्सर ब्रश टूल का। अब ये जब आपका ऐसे ऐसे हो रहा है तो आगे अब इसके ऊपर हमारा कोई भी कलर ऐसे इसमें डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो अगला ऑप्शन होगा वो होगा पेंसिल टूल का। इसकी हेल्प से कोई भी पेंसिल आपकी ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। और जो आखिरी ऑप्शन होगा वो होगा कलर रिप्लेसमेंट टूल का, हमारा आगे एडवांस पर होगा। ओके, अब जो हमारा अगला ऑप्शन होगा वो होगा क्लोन स्टैम्प टूल। अब इसका ये काम होगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये इतना हिस्सा आपका ऐसे आपका एक क्लोन इसकी हो जाएगी आपकी। ओके ना, अब अगर आप रेड से वाइट में आएंगे तो वो ऐसे हो जाएगा और अगर आप उल्टा आएंगे तो वो ऐसे आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में ही अगला ऑप्शन होता है पैटर्न स्टैम्प टूल का। अब इसमें अगर आपको ये साफ करना है तो इसमें अलग अलग पैटर्न्स का ऑप्शन आ जाएगा और इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हमारे होते हैं, चाहे तो आप ऐसे में आ जाइए कि आप ऐसे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें आता हूँ तो ये अब ऐसे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
अब जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है हिस्ट्री ब्रश टूल का। अब इसमें ये काम होता है कि अगर आपने किसी भी टाइप के ब्रश को अगर आपने पहले उस पर काम किया हुआ है तब इस पर काम होगा, वैसे तो इस पर हमारा काम बहुत ही कम कम होता है, ठीक है। अब जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है इरेजर टूल का। अब इसके लिए आई जस्ट चेंज द पिक्चर, पिक्चर अगर आपकी स्मॉल है तो वो जूम हमारी इस साइड से हो जाती है, और इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि कंट्रोल के साथ में जो बैक स्पेस के पास में हमारा प्लस होता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आपको इसे स्मॉल करना है तो कंट्रोल के साथ में जो प्लस के पास में आपका माइनस है उसको प्रेस होने पर ये हमारा स्मॉल भी हो जाएगा, ओके। अब जो अगला ऑप्शन है वो है फर्स्ट होता है इरेजर टूल का। इसका ये काम होता है कि किसी हिस्से को अगर आपको इरेज करना है तो वो ऐसे आपका इरेज हो जाएगा। अब इसके बाद में जो अगला ऑप्शन होता है हमारा वो होता है मैजिक इरेजर टूल। अब इसका ये काम होता है कि इसके हिसाब से ब्लू कलर जहाँ जहाँ पर होगा आपकी पिक्चर में वो इतने हिस्से को आपके चेंज कर देगा, ओके। और जो अगला हिस्सा होता है वो होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसका ये काम होता है कि अगर आपको इतने ही हिस्से को हटाना है तो ये ट्रांसपेरेंट होकर आपका ऐसे रिमूव भी हो जाएगा, ओके जी। अब जो अगला ऑप्शन होता है वो हमारा होता है ग्रेडियंट टूल। इसका ये काम होता है कि इस पर क्लिक होते ही कि सामने आपके अलग अलग पैटर्न आ जाएंगे कि इस टाइप से काम हो, तो अभी हम लोग इस पैटर्न पर आते हैं और ये काम ऐसे होते ही ये आपका चेंज हो जाएगा, ओके। अब इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है कि अब ये चेंज आपका इस टाइप से होगा तो इस टाइप में आ जाएगा आपका, और इस टाइप में अगर चेंज हो तो वो इस टाइप से हो जाएगा। कलर आपके अलग अलग होंगे, आपका ये हमारा फ्रंट एंड के लिए होता है और ये हमारा बैक एंड के लिए होता है। और अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है पेंट गेट टूल। इसका ये काम होता है कि जो काम सेम हमारा पेंट के टाइम पर होता है कि किसी भी कलर को अगर आपको फिल करना है, हमने अपने कलर को किया चेंज, हमने कहा जी रेड हो जाए, और क्लिक होते ही ये ऐसे आपका और ये कलर आपका चेंज हो जाएगा, पैटर्न में ये ऐसे आएगा और फोरग्राउंड में ये आपका पूरा ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब जो अगला ऑप्शन है उसके लिए हमें अपनी पिक्चर को एक बार चेंज करना होगा। अब ये अभी हमारा हो गया चेंज। अब जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है ब्लर टूल। अब इसके नाम से ही शो हो रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें आए हैं, तो अगर हम इसमें आते हैं तो इसका इतना हिस्सा अभी आपका ब्लर हो जाएगा, ये देखिए, और ये ऐसे अभी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है हमारा शार्पन टूल। किसी पिक्चर में जो उसकी बाउंड्री होती है वो और भी आपकी एकदम शार्प हो जाएगी इस टाइप से, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ओके। और सेम ऐसे ही जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है स्मज टूल। इसका ये काम होता है कि अगर ये आपका इस टाइप से हो जाए, ये ऐसे आपका चेंज हो जाएगा इस टाइप से, ओके। अब जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है ड्रॉग टूल। अब इसका ये काम होता है कि अगर आपका इतना हिस्सा अभी आपका हल्का हो जाए तो ये इसका कलर अभी हमारा हल्का हो जाएगा, और इसका उल्टा अगर हो जाए तो हम बर्न टूल पे आएंगे और ये अभी आपका हिस्सा गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे किसी भी पेंटिंग का आपका हिस्सा ऐसे आपका डार्क भी हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी जो टूल होता है वो होता है स्पंज टूल। अगर कहीं पर भी पानी गिरा होता है तो वहाँ पे स्पंज होने से वो पानी को उतना हमारा सोखता है। सेम इसमें भी ये कलर को हमारे और उसको सोख कर हल्का करेगा और ये ऐसे आपका चेंज हो जाएगा, ओके। तो इतने हिस्से में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी पिक्चर में अगर हमें किसी भी टाइप का करेक्शन करना हो तो ये टूल हमारे ऐसे काम पर आएंगे।
ओके, तो आप इन टूल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।